हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, ये वीडियो होने वाली है ग्रीवेंसेस को लेकर। जिन छात्रों ने एग्ज़ाम दिया है उनकी मार्कशीट में कोई दिक्कत है, जैसे आपका नेम गलत है, आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, फादर नेम गलत है, या फिर आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, जो भी आपका कुछ इसमें गलती हो रखी है, किसी के फ़ोटो में दिक्कत है, किसी का फ़ोटो ब्लर आया है, या फिर किसी और का फ़ोटो आपके मार्कशीट पे आया है ना, या आपके मार्क्स कम हैं, जैसे कि आपने एग्ज़ाम दिया है, जो क्वेश्चन आप सही करके आए हैं, आपने आंसर की चेक किया है, उसमें आपके मार्क्स ज़्यादा हैं, और जब आपने रिज़ल्ट देखा तब आपके मार्क्स उसमें कम आ रहे हैं, तो इस रिगार्डिंग ये वीडियो आपकी होने वाली है। यदि आपको इस प्रकार की दिक्कत अपने रिजल्ट में देखने को मिल रही है तो आप ग्रीवेंसेस डाल सकते हैं। अभी क्या हुआ था, पीछे ग्रीवेंसेस का जो ऑप्शन था वो अभी दिया गया था, लेकिन उसके बाद हटा दिया गया था, ग्रीवेंसेस नहीं हो रहा था, लेकिन अब वो वैलिड है। ठीक है, अब आप ग्रीवेंसेस डाल सकते हैं। ग्रीवेंसेस पोर्टल ओपन हो चुका है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे कि आपने अपना रिजल्ट देखना है, ग्रीवेंसेस डालना है, तो मैं आपको बताती हूँ आपने ग्रीवेंसेस कैसे डालना है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है, जहाँ आपसे पूछा गया है एंटर योर PRN नंबर, यानी कि यहाँ आपने अपना रोल नंबर डालना है। रोल नंबर कैसे डालना है, जैसे कि आपका इस बार रोल नंबर रहे हैं 00220, ऐसे करके, तो जो स्टार्टिंग के 00 हैं यानी कि शून्य हैं वो नहीं आपने लगाने हैं, उन दो जीरो की जगह आपने R लगाना है और आगे का रोल नंबर आपको वैसे ही डालना है। ठीक है, और यहाँ नीचे वाले कॉलम में आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, देन आपने क्या कर देना है, सबमिट कर देना है, आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा, उसके बाद हम आगे बताते हैं। चलिए, हम यहाँ पर अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। देखिए, हमने अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल दिया था, उसके बाद हमने सबमिट किया। अब जहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तीन लाइनें आ रही हैं, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आ रहा है डैशबोर्ड, फिर आ रहा है ट्रेनी डिटेल्स, फिर आ रहा है आपका व्यू रिजल्ट, और बाद में आपका आ रहा है ग्रीवेंसेस। ठीक है, ग्रीवेंस आपका बाद में आ रहा है, तो यदि हमने यहाँ आपने ग्रीवेंस डाला हुआ है तो आप वो चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देख लेंगे ट्रेनिंग डिटेल, हम जैसे कि डालेंगे, है ना, क्लिक करेंगे तो यहाँ ट्रेनिंग डिटेल में आपका इस प्रकार से ओपन होके आता है। अब जैसे कि आपकी 2 ईयर की ट्रेड है, ठीक है, उसमें क्या होगा, जब आपने अपना क्या है IIT आपकी कंप्लीट हो गई है, तो यहाँ आपका फर्स्ट एंड सेकंड ईयर का दोनों का मार्क्स और आपका रिजल्ट यहाँ पर शो होगा। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक्शन वाला ऑप्शन जो है ये वाला, ठीक है, एक्शन वाला ऑप्शन है, इसके नीचे जो 3 डॉट आपको दिख रहे हैं दो लाइन में, अब आप मैं बता दूँ आपको कि जैसे कि आपका जो फर्स्ट ईयर था, ठीक है, फर्स्ट ईयर था, उसमें आपके यानी कि 2023 में यदि आपके मार्क्स गलत हैं या कुछ भी प्रॉब्लम आपकी मार्कशीट में है, तो आप यहां से ओपन करके इसको डाल सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम इसमें देखेंगे कि जो एक्शन वाला ऑप्शन हमारा है, तो यहां पर हम 3 डॉट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डियर की क्रिएट ग्रीवेंसेस, आपने मार्कशीट डाउनलोड करनी है, आप कर सकते हैं, आपने कंसोलिडेटेड मार्कशीट डाउनलोड करनी है, कर सकते हैं, सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है वो भी आप कर सकते हैं, और यदि आपने अपना रिजल्ट यहाँ चेक करना है तो आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसे ग्रीवेंसेस डाल सकते हैं, हम ये देख लेंगे। ठीक, क्रिएट ग्रीवेंस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ओपन होकर यहाँ आ जाता है, कॉन्टैक्ट नंबर आएगा, ईमेल आएगा, एंटर, ये सब आएगा हमारा, जो आपने जो आपका यहाँ पर प्रॉब्लम है आपकी मार्कशीट में, आप वो यहाँ इजीली डाल सकते हैं, और जो आपकी मार्कशीट है आप उसकी फ़ोटो आप यहाँ डालेंगे, यानी कि आपको वो अपलोड करना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर यदि आपके किस में आपका, देखिए यहाँ आप टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं,
ठीक है, टाइप कैसे सिलेक्ट करना है हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मार्क्स रिलेटेड यानी कि आपके आईटीआई में जो नंबर्स हैं आपकी मार्कशीट में आपके नंबर्स के साथ छेड़छाड़ हुई है, आपके गलत नंबर्स आए हैं, आपके ज़्यादा नंबर आने थे कम आए हैं, आप आंसर की चेक कर रहे हैं तो आपके नंबर क्या है ज़्यादा हो रहे हैं और आपके मार्कशीट में कम नंबर आए हैं, या फिर कुछ बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि जब उन्होंने फर्स्ट ईयर फाइनल किया था तो उसमें आपके मार्क्स ज़्यादा थे, है ना। अब आपने सेकंड ईयर फाइनल किया है, जब आपने अपना रिज़ल्ट देखा है तो जो फर्स्ट ईयर वाले मार्क्स थे वो अब कम दिखा रहा है ना, तो ये भी आप यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। मार्क्स रिलेटेड पर क्लिक करके आपकी जो मार्कशीट रहेगी वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी, क्योंकि यहाँ आपसे मांगता है कि कहाँ पर आपको दिक्कत है ना, तो यहाँ आप अपलोड करेंगे। उसके बाद यदि आपकी प्रोफाइल में कोई प्रोफाइल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आपके फादर का नेम गलत है, आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, आपका नेम गलत है, या फिर आपके फ़ोटो के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है यानी कि जैसे कि आपका फ़ोटो चेंज कर दिया गया है ना, इस प्रकार की कोई भी दिक्कत आपकी मार्कशीट में रहती है, जैसे कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर गलत हो जाता है, आपने कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना है या ईमेल आईडी आपको चेंज करनी है, तो आप यहाँ से प्रोफाइल रिलेटेड में से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाता है आपका ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस का मैंने आपको समझा दिया है कि किस लिए करते हैं और क्यों करते हैं। तो जिन बच्चों को अपने मार्कशीट में कोई कमी दिखाई दे रही है, और एक बात मैं आपको बता दूं कि आप यदि मार्क्स से रिलेटेड ग्रीवेंस डालना चाहते हैं तो सोच समझ के डालें। ठीक है, ग्रीवेंस डालने के बाद कुछ टाइम के बाद लग जाता है आपका, एक महीना या तीन महीने भी आपके लग सकते हैं, उसके बाद आपकी दोबारा से मार्कशीट आती है। ठीक है, यदि आप मार्क्स के रिगार्डिंग अपना ग्रीवेंस डालना चाहते हैं तो आप थोड़ा सोच के ही डालिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके जितने नंबर्स बैठ रहे हैं वो चेक करें कितने भी आपके कम हो जाए, है ना। थोड़ा हो जाता है, सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है, तो डियर मैं आपको कहना चाहूँगी कि अपने मार्क्स और अपने आंसर की एक बार ज़रूर चेक कर लें, उसके बाद ही मार्क्स से रिलेटेड आप यहाँ पर ग्रीवेंस डाल सकते हैं। या आपके साथ जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपकी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट जब रिज़ल्ट आपका आया था तो फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट में आपके नंबर ज़्यादा थे, और अब सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आने के बाद यानी कि आपका दोनों ईयर का रिज़ल्ट आया है, आप देख रहे हैं अपनी मार्कशीट में, तो जो फर्स्ट ईयर में नंबर्स आपके आए थे वो अब कम शो हो रहे हैं। यदि अब कम शो हो रहे हैं तो आप उसके रिलेटेड आप यहाँ पर ग्रीवेंस डाल सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी मार्कशीट में आपके जो प्रोफाइल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको यहाँ पर सही करा सकते हैं, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी जो हमारे पास बच्चे का रोल नंबर है, मार्कशीट है यानी कि, तो वो बिल्कुल ठीक है, अभी हमें इसमें कोई ग्रीवेंस नहीं डालना है, तो हम इससे आगे हम उसमें उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि फिर मार्कशीट आने में थोड़ा टाइम लग जाता है और उसको पूरा चेक करके ही वो लोग यहाँ अपलोड करते हैं यानी कि, है ना। तो यहाँ पर आप यदि आपको डालना है, आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। बाकी अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जिससे उनको भी हेल्प हो सके। ठीक है, कुछ बच्चों को नहीं पता है कि ग्रीवेंसेस का पोर्टल ओपन हो चुका है, ठीक, तो आप उनको शेयर करें, उनको बताएं, वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाएं। ठीक है, जो भी हमारे चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आईटीआई से रिलेटेड यदि कोई जॉब, कोई अप्रेंटिसशिप वैकेंसी क्लासेस चलती हैं तो वो भी आपके यहाँ चैनल पर कराई जाती हैं।